आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो पिछले वर्ष मई माह में सामने आया था, जब वे अपने काफिले के साथ जा रही थी। इस बीच भीड़ ने ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए थे। तब ममता को गुस्सा आ गया था और वे अपनी गाड़ी से उतरकर नारे लगाने वालों को गुंडा भी कह रही थी और कैमरे के सामने आकर जय श्री राम के नारे को गाली बता रही थी। उन्होंने कहा था कि ये लोग उन्हें गाली दे रहे हैं और सभी भाजपा के गुंडे हैं। ठीक है जी, ठीक है। जय श्री राम। চামড়া গুটিয়ে ছিল ভাই বিনি, নাম নিয়েও তো এখানে যে ছেলেগুলো করছিল জায়গাটার নাম দাও, পুরো নাটা চিকিং হবে, বাড়ি টু বাড়ি হবে, দেখে নাও তো জায়গাটার নাম দাও। তুমি তোমার মতো স্লোগান, তোমার গাড়ির মতো আমরা গাড়ির মধ্যে সাহস কত করে বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে, তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরে আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। উইল টেক অ্যাকশন, উইল টেক অ্যাকশন। পুলিশকে বলবেন অ্যাকশন নিতে, পুলিশকে বলবেন অ্যাকশন, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। एक बार फिर उनके सामने अब जय श्री राम के नारे लगे हैं। इस बार उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन यहाँ पर ममता ने एक शब्द भी नहीं बोला। दरअसल अम्मान तूफान से बंगाल में भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से बंगाल का दौरा करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और लंबे समय के बाद वे दिल्ली से बाहर निकले और सीधे पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। दौरे से लौटते वक्त सेना के हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए वे पैदल आ रहे थे, उनके साथ ममता बनर्जी भी थी। भीड़ प्रधानमंत्री को देख जय श्री राम के नारे लगाने लगी। ऐसे में ममता विरोध नहीं कर पाई, जबकि पिछली बार तो विरोध करते करते लोगों को सामने आकर कहने की बात कही थी और साथ में धमकियाँ भी दी थी। लेकिन वक्त वक्त की बात है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ थे। नारे लगाने वालों को प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन भी कर रहे थे और ममता भी जनता से हाथ जोड़ रही थी। उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी को अब जय श्री राम का नारा गाली नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম।
এত ভিজছে না তো দিদি